उठा उठा पैसा। देखते हैं क्या हालत रहेगा। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त मजे में होंगे। अभी अभी एक व्लॉग एंड किया, अभी दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज हम लोग निकले हैं पापा और मैं एक जबरदस्त रोड ट्रिप पे, जो कि हम अपनी बाइक पे करने वाले हैं। एंड अभी हमारा आज का स्टॉप है वो है बानीहाल। आज हम ब्रेक लेने वाले हैं बानीहाल में। अभी टाइम आ रहा है शाम के 6:30 एंड 7:30-8 तक हम पहुंच जाएंगे बानीहाल इंशाल्लाह। तो यहाँ पे रही हमारी बाइक, बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। यहाँ पे रहे हमारे पापा जी। पापा कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत मजा आ रहा है, अभी लग गया सर्दी। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? बानीहाल। अभी हम बानीहाल जाने वाले हैं, आज का रेस्ट बानीहाल में। तो इंस्टा 360 भी हमारे साथ है, आपको मस्त मस्त शॉट्स दिखाते हैं। बाय द वे गाइस, यहां से चेक करो क्या खूबसूरत नजारा है। अभी हाईवे पे हम लोग, अभी हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, एंड जिन्हें अभी तक कमेंट्स नहीं की बहुत ज्यादा कमेंट्स करना। उम्मीद करता हूँ इस पे 1000 कमेंट्स हो जाएगी, एंड 2-3 हजार लाइक्स आप कर देना प्लीज। एंड आप में मुझे भरोसा है, इंशाल्लाह आप कर दोगे। अभी हम जा रहे हैं बानीहाल, बहुत मजा आ रहा है, सर्दी बहुत है, हवा है, तेज चल रही है भैया। एंड यहाँ पे मैं इंस्टा 360 स्टार्ट कर रहा हूँ, खराब है भैया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आज पहली राइड है, देख रहे हैं क्या हालत रहेगा। लगता है हालत खराब होने वाली है, सर्दी लग गया टोपी साथ आना, बहुत ही ज्यादा सर्दी है। पापा की सही से राइड भाई साहब, बानीहाल अभी हमको पहुंचना है। अभी तो हम टोल प्लाजा अभी क्रॉस कर लिया, अभी बस हाईवे स्टार्ट किया एंड वीडियो हमने स्टार्ट किया बनाना। लद्दाख जाना है मेरे लिए मुश्किल है भैया, इंशाल्लाह जाएंगे वो भी करेंगे। फिलहाल चढ़ते हैं बाइक पे एंड आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग पे, एंड 360 शॉट्स भी आप सबको जबरदस्त दिखाते हैं। और हेलमेट की हालत बहुत खराब है भैया, देखो यहाँ से हवा घुस रहा है। इंशाल्लाह आगे हेलमेट भी लाएंगे। चलो 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 चढ़ते हैं बाइक पे। आपको बहुत सफर तय करना है, थोड़ा सा बाइक को खींचते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं हम लोग, ज्यादा तेज भी नहीं चल सकते। पापा का हेलमेट भी है वो भी टूटा फूटा है, उसमें हवाएं पापा को सीधे अंदर आ रही है। बस बानीहाल हम पहुंचेंगे उसके बाद देखेंगे। एंड उसके बाद मैंने सुना कि लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हुई है आज, बिकॉज बारिश हो रही थी। तो देखेंगे यार, जाना है जम्मू से आगे भी जाना है एक दो जगह। फिलहाल देखेंगे अगर बारिश होगी, अगर लैंडस्लाइड होगा तो वो देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमको आज हमारा टारगेट है बानीहाल यहाँ से लगभग 100-120 किलोमीटर यहाँ से दूर है लगभग ऑलमोस्ट। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा, मैं पापा के साथ जम्मू भी राइड पे जाऊंगा, ऐसा सीन होगा जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ ऐसे जम्मू, मतलब भरोसा नहीं हो रहा जम्मू, आज बानीहाल जा रहा है। जम्मू से आगे हमको जाना है अगर लैंडस्लाइड नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड पापा भी पीछे बहुत ज्यादा खुश है भाई साहब, हम राइड कर रहे हैं एंड इससे धमाकेदार राइड होने वाली है। ये बस हमारे लिए ट्रेलर है कि कैसा क्या सीन रहता है, बिकॉज मेरे पास तो बाइक नहीं थी, मेरे को तो इन सब चीज़ों का मालूम ही नहीं है। एंड ट्रक पे देखो भाई साहब क्या लिखा है, कोशिश करेंगे वादा नहीं। जी हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे वादा नहीं, बट जल्दी जल्दी पहुंचेंगे ये आपसे वादा जरूर करेंगे। कश्मीर की खूबसूरती है, कश्मीर इसी की वजह से मतलब ज्यादा खूबसूरत है। ये देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा हरियाली है भाई साहब, अभी तो जून जुलाई में इससे ज्यादा हरियाली होगी। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं मजे आराम से ही चल रहे हैं। फिलहाल गाइस यहाँ पे हम रुक चुके हैं, हमने आधा सफर जो है वो कंप्लीट किया। यहाँ से बचता है बानीहाल हमारा 47 किलोमीटर्स। एंड पापा को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी हेलमेट में, एंड पापा इसी वजह से यहाँ पे जो है हुडी लगाएगा। क्यों पापा, अभी तक आपको कैसा सफर में लगा, सच बोलना? ठंड लग रही है भाई, सॉक्स। पापा यहाँ पे हुडी लगाएगा ऊपर से, बिकॉज इसको ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। एंड अभी तक सफर में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अपने हाफ सफर जो है वो कंप्लीट किया। अभी टाइम आ रहा है 6:30 ऑलमोस्ट, हम 7:30 तक पहुंच जाएंगे बानीहाल। बस जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए और बाकी कुछ टेंशन भी नहीं है। एंड मैं उस बंदे को अभी फोन करूंगा जिस जहां पे मेरे को मतलब मैं उसको बोलूंगा होटल वगैरह का, तब तक पापा हुडी लगाएगा। क्यों पापा, जल्दी करो ना। कैसा लग रहा है आपको अभी, पता है उन्हें कैसा लग रहा है, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे आप चेक करो कितने ज्यादा यहाँ पे भेड़ है, देखो गोजर बकरवाल, ये देखो भाई साहब कितने ज्यादा भेड़ है यहाँ पे। इनकी लाइफ कितनी मस्त है, एक जगह रुको दूसरी जगह जाओ, वो देखो पापा ने यहाँ पे हुडी लगाई। क्यों पापा, अभी मजा आ रहा है आपको? मजा नहीं आ रहा है, सुसु आ रहा है यार, मेरे को भी आ रहा है, मैं क्या करूँगा भाई साहब। सो फाइनली गाइस डन हो चुका है हमारा, एंड अभी हम रेडी है निकलने के लिए। बाइक की हालत आप चेक कर सकते हो, कपड़ों की हालत आप चेक कर सकते हो, देखो बाइक की क्या हालत हो गई है भाई साहब। एंड अभी हम निकलने वाले हैं अब, और
एंड अभी हम चलते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं बानीहाल। एंड बानीहाल के हमको खाने हैं राजमा चावल। राजमा चावल में मजा होता है बानीहाल को, क्या पापा? पहले पूछेंगे ना, बाद में देखेंगे। पापा क्या हो गया? कितना ज्यादा सर्दी? बहुत ज्यादा सर्दी और पार जा रही है भाई साहब। अब थोड़ी देर पापा बाइक चलाएगा, ठीक है पापा? चलो चलो चलो, करो मोटे व्लॉग, चलो चढ़ो बाइक पे आराम से। आएगी चलानी कि नहीं भाई साहब? अब पापा बाइक चलाएगा कुछ टाइम तक। ओ भाई साहब एकदम लोंडा लोंडा एकदम भाई साहब। भैया बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा खराब है, इसकी वजह से सर्दी लग गया, नहीं तो बहुत मजा आ रहा है। अरे कहाँ यार, अरे कहाँ साइकिल और कहाँ ड्यूक भाई साहब। डायरेक्ट बाबू भाई से क्या, बाबू से बाबू भाई। देखो तेज कितना चल रहा है यार। घर में तो मैं डर रहा था, इधर तो कोई डर नहीं लग रहा है। इधर खुला रास्ता है, इधर खुला रास्ता है ना। अभी मैं दूसरे गियर में आ गया। अभी हम पहुंचेंगे, फिर राजमा चावल खाएंगे और सो जाएंगे, बाकी बातें कल होगी। भैया कल कहाँ जाना है? जम्मू? कल देखेंगे, अगर रोड ठीक रहा तो देखेंगे कहाँ जाएंगे। अगर रोड ठीक रहा था जम्मू, अगर नहीं तो दिल्ली। दिल्ली। अभी तीसरे गियर में आ गया भैया, अभी मैं सेफ से तेज चला रहा हूँ, देखो भैया। सब पापा बाइक चल रहा है, मस्त फोटो व्लॉगिंग कर रहा है, मैं बस पीछे बैठा हूँ। ये देखो इधर खुला रास्ता है ना, ये देखो एक क्या ही जबरदस्त रोड है। एंड मैं यहाँ पे पीछे बैठा हूँ, बैग वगैरह मेरे पीछे है, आप खुद देख सकते हो। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बस जल्दी जल्दी पहुंचने चाहिए। एंड इसी के साथ पापा वगैरह का जो है और डर सारा खत्म हो गया, अभी आराम से लद्दाख भी जा सकते है ना, इंशाल्लाह। भाई साहब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 100 साल पहले मैं जवान था। चढ़ो 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 चढ़ो, होपफुली आपको इनस्टा 360 के शॉट्स मस्त मस्त आए होंगे। गाइस रेलवे पाथ है, यहाँ से रेलवे आती है, ये देखो ये रेलवे का पाथ है यहाँ से। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग आए श्रीनगर से। आप कहाँ रहने वाले हैं? हम श्रीनगर के रहने वाले हैं। इधर बन वाले सीधा यही रोड है, यही रोड है। कितना टाइम लगेगा? लगेगा लगभग आपको 2 घंटा टाइम लगेगा। 2 घंटा? चलो सर, थैंक यू सर। अगर 2 घंटा नहीं लगेगा तो 1.5 घंटा लगभग आपका गाड़ी में एग्जॉस्ट में। कसम से मैं असम के रहने वाले हूं। असम का? ओ हेमलो, असम का, असम में बोलते हैं ना शायद हेमलो। हां जी चलो, ओके 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 चलो चलो ओके। बंदा मिला वो बोल रहा था कि 1.5 घंटा लगेगा, एंड गूगल मैप दिखा रहा है कि ये 40 किलोमीटर है, एंड बोर्ड एक पीछे आया उस पर दिखा रहा था कि 50 किलोमीटर है। अभी हमको प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कितना लगेगा, थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, बस होपफुली जल्द से जल्दी पहुंचने चाहिए, रोड खराब नहीं मिलना चाहिए। 40-50 किलोमीटर जहां तक मुझे लग रहा है 40 किलोमीटर तक यहां से होगा। पहले काजीगुंड आएगा, उसके बाद हमारा बानीहाल आएगा। देख सकते हो काले काले बादल फिर से आए हैं, लगता है कि बारिश होगी। एंड हमारा किस्मत अभी तक अच्छा है कि अभी तक बारिश नहीं हुई, तो ये एक हमारा ये प्लस पॉइंट है। फाइनली ये घुस चुके हैं भाई साहब टनल के अंदर। ओ भाई साहब यहाँ से क्या आवाज आ रही है इसकी, ट्रक की भाई साहब, यहाँ से कितना उछाला है पापा। अरे पापा सुन ही नहीं पा रहा है भाई साहब। भाई यहाँ पे फिलहाल अभी बारिश हो रही है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, अंधेरा बहुत ज्यादा है। A few inches later. So guys, finally, अभी हम बानीहाल पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे हमारा रूम भी जो है बुक हो चुका है 500 रुपए में एकदम। लेकिन इन लोगों ने सुबह बोला सुबह 10 बजे निकलना है, ठीक है, 10 बजे से पहले 9:30 सुबह निकलना है, तो 500 ले लिए रूम के, तो खाना वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं। लेकिन रूम पापा ने देखा एकदम अच्छा है, ये हमने बाइक रात को यहाँ पे रखी, फिर बाद में नजर देने के लिए आएंगे। चलो तो यहाँ पे रहे फिलहाल पापा, ठीक है। लास्ट में एक सीन हो गया, बाइक वाला आ गया यहाँ से, मतलब ज्यादा नहीं चुपकी बाइक,
ठीक ठाक चुकी, वो पल्सर वाला था NS वहाँ से। आपको मत लगी फिर पैर में हाँ, थोड़ा सा टच हो गया, थोड़ा सा हल्का सा टच हो गया वहाँ पे, एंड पापा के पैर को भी हो गया थोड़ा सा, बस यहाँ पे ज्यादा वो नहीं हुआ क्योंकि वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था। फिलहाल अभी आपको रूम दिखाता है। देखो गाइस यहाँ से रोड है एंड इसके नीचे कमरा है भाई साहब, उसके बाद हमको खाना खाने भी जाना है, जाएंगे अभी पहले थोड़ा सामान वामान निकालेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कमरा है हमारा, ये देखो यहाँ से पता नहीं कौन है, यहाँ से हमारा कमरा है भाई साहब। तो देखेंगे कमरा, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद कल देखेंगे प्लान। लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा, यही कमरा था। चलो भाई साहब, ये रहा हमारा कमरा, एकदम अच्छा खासा कमरा है, दिल्ली से तो बेहतर है मुझे लग रहा है, दिल्ली में इतना अच्छा कमरा नहीं था। एंड यहाँ से वॉशरूम वगैरह भी है, ये देखो आप, बस ये रहा रूम टूर, ये देखो भाई साहब। चलो अभी फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं, सामान सारा यहाँ पे निकाल देते हैं, रात को सोएंगे, बिस्तर वगैरह अच्छे से है यहाँ पे, पैसों लिया इन लोगों ने वन नाइट का, एंड सुबह चेकआउट 10 बजे करना है, 10 बजे से पहले पहले करना है, 9:30, ठीक है, सब कुछ निकाल देते हैं। Many hours later. ये वाला फिल्म शूट हो रहा है 2-4 घंटे के बाद, फिलहाल अभी थोड़ा सा एडिट किया मैंने, कुछ भी नहीं थोड़ा सा किया, बस अभी एक दो रात के एक दो बजे तक एडिट करना है मेरे को, उसके बाद सुबह 10 बजे फिर से उठना है। फिलहाल अभी हम खाना खाएंगे, चलो भाई साहब फिलहाल अभी हम खाना खाते हैं, सुबह देखते हैं सुबह क्या कुछ सीन रहेगा। ये रहा हमारा आज का मालिक, हाँ भैया तूर लग गई, कांगर भी नहीं है, ठंड है। चलो 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 राजमा चावल खाते हैं, कांगर भी नहीं है, राजमा चावल फेवरेट है। फिर क्या खाओगे? भाई साहब अभी 1-1.5 घंटे से मैं बस क्लिप्स एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा था वीडियोस में, जो कि बहुत हेक्टिक है अब एडिट करना है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। गाइस ये रहा हमारा खाना, एक तो रिश्ते ला रहे हैं एंड ला रहे हैं राजमा, भाई साहब राजमा चावल और रिश्ते बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तगड़ा वाला, चलो खा लेते हैं। और रही बाइक, पापा चला गया, खाना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड फिलहाल बहुत ज्यादा मैं थक चुका हूँ, अभी एडिट करना है यार मेरे को, एंड फोन वगैरह सब कुछ चार्ज रखना है, ये भी रखना है चार्ज, क्या बोलते हैं इसको, X3 क्या बोलते हैं इसको, मेरे को कल सुबह उठेंगे, कल सुबह देखेंगे हम। अब मेरे को टेंशन हो रहा है कि कल सुबह हम करेंगे क्या। बस ये था आज के ब्लॉग के लिए, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बस यार आप सब लोग के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बहुत ज़्यादा कमेंट्स करना इस वाले वीडियो पे, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, देखेंगे वो क्या रहेगा, लेकिन घर नहीं जाएंगे, देखेंगे क्या करेंगे, घर नहीं जाएंगे नहीं भाई साहब, कुछ करेंगे, ट्रिप पे जाना यार, ट्रिप पे निकले आप, ट्रिप पे निकले बानीहाल से वापस घर जाएंगे, नहीं भाई कुछ करेंगे इंशाल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, बस यार थक में गया बहुत ज्यादा, मुर्गा बनाएंगे अभी सारा कुछ, ये करते हैं यार क्या बोलते हैं इसको, चार्ज वगैरह रखते हैं। सो यस मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, एनर्जी लेवल अभी डाउन है गाइस, समझ सकते हो, शाबाश, सो जाओ अभी, कल सुबह देखेंगे क्या करेंगे। मैं थक गया, मैं कसम से पता ही नहीं रहेगा रात को, आपको पता ही नहीं रहेगा, मेरे को रात भर पता ही नहीं रहेगा एडिट करते करते, मैं एडिटिंग पे लग जाता हूँ भाई साहब, पावर भी मेरे साथ है फुल चार्ज, कांग्री जोश कहाँ है यहाँ, ये कांग्री जोश आका गुस्सा सुन, सो जा कल सुबह ये 10 बजे भगा देंगे यहाँ से, साढ़े नौ यहाँ से निकल रहे हैं किसी भी हालत में। चलो बाकी गाइस ये जो भी सीन हुआ ये आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने को मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, एंड क्या हुआ कैसे हुआ तो वो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में पता चलेगा, टारगेट करता हूँ इस वीडियो पे 1000 कमेंट हो जाएगा।